तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विक्रम और आप सभी लोग देख रहे हैं केवीपी ट्रैक्टर्स। तो भाई पिछली वीडियो में आपने देखा, हमने भाई अपने ट्रैक्टर के भाई शो सेट की थी, मतलब शो, मडगार्ड, पल्लेट, हाइड्रोलिक टंकी सब लगा दिया था हमने। हालांकि बैटरी बॉक्स अभी रहता है, वो मैं बाद में लगाऊंगा। उससे पहले भाई हम क्या करने वाले हैं, अभी हम अपने ट्रैक्टर का भाई पावर स्टेयरिंग का काम करने वाले हैं, क्योंकि बिना पावर स्टेयरिंग तो हम अपने ट्रैक्टर को आगे पीछे नहीं करेंगे। बल्कि भाई मैं सोच रहा हूँ अभी एक दो दिन में अपना पावर स्टेयरिंग का काम चालू हो जाएगा, अपने ट्रैक्टर को एक बार स्टार्ट करेंगे। तो भाई इस वीडियो में हम पावर स्टेयरिंग का जो अगले वाला जैक है, RBW है, एंड भाई मैं भी इसी वीडियो में पाइपलाइन भी आपको दिखाई दूँ, हाइड्रोलिक पाइपलाइन। तो वीडियो को देखना एंड तक, वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है। एंड भाई अगर आपने मेरे को अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है, तो ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल आ रहा है, तो मेरे को यहाँ पर भी चेकआउट कर लेना, यहाँ से पहले मैं वहाँ पे अपडेट दे देता हूँ भाई। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ बिना किसी देरी के। तो अभी फाइनली हम अपने पावर स्टेयरिंग का काम स्टार्ट करने वाले हैं भाई। तो सबसे पहले हमने किया क्या भाई, ये अपना पावर स्टेयरिंग का जैक रहा भाई, एंड ये ड्रिल हम इस प्लेट में मार रहे हैं भाई। तो एक मिनट ये मार लेते हैं एंड इसको खींच लेते हैं इस पर। ये सीधा अपने अपने अगले हिस्से पे वेल्ड होगा भाई। तो चलिए तो अभी यहाँ पे हमने भाई ये अपना जैक की फाउंडेशन कर लिया। अभी हम अपने ट्रैक्टर को पता नहीं, तो अभी हम ट्रैक्टर को आगे लेंगे, क्योंकि भाई यहाँ पे मिग आ जाएगा अपना, मिग अपना यहाँ तक आ रहा है भाई। तो थोड़ा सा इसको आगे ले लेंगे, इसको पक्का ही कर देंगे, आर्क से नहीं करेंगे भाई ये वेल्डिंग हम। तो अभी ट्रैक्टर को आगे लेने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो ट्रैक्टर हमने अभी आगे ले लिया है, अभी हम अपने जैक को इस पे चिपका देंगे भाई। तो भी आप देखना, तो अभी हमने भाई पूरे मेजरमेंट से अपना जैक लगा दिया, अभी बस पक्का करना रहता है। एक बार दोबारा मापेंगे चाचा, तो एक बार मेजरमेंट और लेंगे, देन पक्का करेंगे भाई इसको। तो अभी देखना आप, एक बार और भाई जैसे कि आप सभी लोग देख रहे हो, हमने अपना पावर स्टेयरिंग का जैक आगे वेल्ड कर दिया भाई, मतलब ये पूरा सॉलिड हो चुका है। अभी यहाँ के नक्के भी बनाने हैं,
बट उससे पहले भाई हमें अपने आर्म्स का काम कर रहे हैं, तो करना क्या भाई, ये हमें छोटे करने हैं। तो ये लगभग हमें 6 इंच, मतलब ये मैंने देखो निशान लगा रखा है यहाँ से काट के, एंड भाई इसका ये चीज़ मतलब यहाँ वेल्ड होगी, बाकी ये तो भाई नहीं आ रहा, मतलब ये पतला है और ये इसका मोटा साइज है। तो इसके लिए भाई हम अलग से सुराख लगा रहे, टेपर बोर करना किया है हमने, क्या कह रहा हूँ भाई मैं, ये देख सकते हो आप, ये बनाया भाई मैंने अभी। तो होगा क्या, ये तो यहाँ खींच जाएगा और भाई ये हो जाएगा यहाँ पे वेल्ड। तो ये हमें टेपर बोर किया ये हमने, तो चलिए एक तो मैंने बना दिया है, अभी दूसरा भी बनाते हैं, यहीं पे रखा है वो, मैं दोनों लाया था भाई वैसे, तो ये रहा। तो चलिए इसमें भी भाई बोर कर लेते हैं टेपर, ये मैंने बाकी सेट कर लिया भाई, ये लगभग मैंने 0.4 डिग्री पे सेट किया ये, तभी अपना सही वो आ रहा है। तो चलिए करते हैं इसको। तो अभी हमने भाई अपने आर्म भी काट लिए हैं, ये 6-6 इंच की हम तैयार करेंगे। तो अभी इसके नीचे जैक लगा रहे हैं, क्योंकि भाई ये यहाँ पे टक लगाए घुमा घुमा के देखेंगे भाई कि अपने कटाई पूरी आ रही है यानी ट्रैक्टर की। तो दोनों साइड जैक लगाएंगे इसमें अभी फ़िलहाल। तो चलिए भाई अभी हम अपने नक्कों को वेल्ड कर लेते हैं जैक के। तो भाई अभी अपने जैक के नक्के हो चुके हैं बिल्कुल ओके, अभी बस पक्के करने रहते हैं। तो मतलब अपने दोनों टायर कनेक्ट हो चुके हैं आपस में, तो अभी इसको मैं खोल लूंगा पहले तो यहाँ से, और ये मतलब पक्का करेंगे इसको। एंड भाई अपना आगे वाला जैक हो जाएगा बिल्कुल ओके, कटाई भी पूरी आ रही है, बाकी अभी आपको आगे दिखाएंगे भी, एक मिनट। तो भाई अभी हमने अपनी आर्म भी वेल्ड कर दी है, अभी इस पर बस थोड़ा सा ग्राइंड करेंगे, हमें मैंने बिल्कुल पक्के कर दिए भाई अभी फ़िलहाल। तो अभी इसको ग्राइंड करके अपना हो गया ये भी काम डन, एंड इसके बाद भाई अपने कनेक्शन रह जाएंगे अपने इसके पावर स्टेयरिंग के, तो करने के बाद हम अपने ट्रैक्टर को फाइनली स्टार्ट कर सकेंगे भाई। तो देखना भी कोई नहीं, काट देंगे दूसरा लगा देंगे छोटा। तो अभी ये अपना जो माउंट है अपने जैक का वो भी फाइनल हो गया है, ये हमने एडजस्टर भी लगा दिए इसमें, तो अभी इसको पक्का कर देंगे भाई यहाँ पे। तो भाई अभी जैसा कि देख रहे हो हमने अपना जैक बिल्कुल अच्छे से लगा दिया भाई, इसका फाउंडेशन देख सकते हो, मैं एक बार लाइट चला लूँ भाई, तो देख सकते हो भाई बिल्कुल अच्छे से यहाँ पे हमने इसका माउंट बनाया है,
एंड वेल्ड भी कर दिया है लगभग पूरा, बस नीचे नीचे से वेल्ड रहता भाई ये तो भाई खोल के ही होगा अपना, क्योंकि हमें ये आर्म भी तो निकालनी है, एक बार हमें अपना पूरा हिस्सा खोलना होगा इसका। तो अभी फ़िलहाल हमें क्या करना भाई, अभी अपने जो ये जैक है इसके कनेक्शन अपने RBW से देने हैं। अभी RBW भी मैंने इस पर नहीं लगाई है, मतलब टैंक में ऑयल डल के तब ये होगा। तो इस वीडियो में तो भाई इतना ही दिखाऊँ, मैंने छोटी सी वीडियो बनाई, बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाई। ये भाई सोच रहा हूँ थोड़ा हाथ, मैं जैसे पहले तो 8-10 दिन में वीडियो आती थी, अभी मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा जल्दी जल्दी वीडियो डालूँ, थोड़ा थोड़ा काम दिखाऊँ, कोई नहीं भाई आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे जिससे। तो अभी क्या करेंगे भाई, अभी तो इसमें रेडिएटर भी फिट करना है, मतलब आगे से इसको कम्प्लीट ही कर देंगे, और यहाँ के नक्के भी लगाने हैं, थोड़ा सा काम रहता है अभी शो का भी। तो इस वीडियो में भाई इतना ही दिखाऊंगा, एक बार आपको मैं ये मतलब काट के भी दिखा देता हूँ राइट लेफ्ट, तो ये देखना एंड देन बात करते हैं। तो भाई जैसा कि अभी आप सभी लोग देख पा रहे होंगे, अपना ट्रैक्टर लेफ्ट साइड टर्न हो रखा है, तो अभी मैं इसको राइट साइड करके दिखाता हूँ, मतलब किस तरह से अपना टायर और एग्जॉस्ट इन दोनों वर्क कर रहे हैं भाई। तो देखिए भाई अभी राइट साइड पूरा टर्न कर दिया अपने ट्रैक्टर ने, तो कुछ इस तरह से वर्क कर रहा भाई, एक बार वो देख लो। तो अभी लेफ्ट साइड दोबारा से टर्न कर दिया, तो सिर्फ अभी फिलहाल इसके कनेक्शन करने रह गए, अपना ये भी कंप्लीट हो चुका है पावर स्टीयरिंग का, मतलब अभी तो बस फिटिंग रहेगी भाई, जो हाइड्रोलिक फिटिंग होगी इसमें, तो वो भी भाई बहुत जल्द करें, मतलब इसको बाहर निकालने की पूरी प्लानिंग चल रही है अभी फिलहाल। इसमें रेडिएटर भी हम बहुत जल्द मतलब आज फिट कर ही दूंगा मैं, फिटिंग नहीं दिखाऊंगा क्योंकि पहले वीडियो में दिखा रखी है, तो फिट करके इसको बहुत जल्द भाई अभी स्टार्ट करेंगे हम। तो इसी बात पे भाई वीडियो को लाइक कर देना। तो भाई मिलते हैं इस वीडियो में भाई, इतना ही मानता हूँ छोटी वीडियो बनाई है, बट जो है ये है। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद जय भारत।